यू विल आस्क वन मिनट काय झालं आज कोर्टात तुमचं आज काय सांगा Silence first. Questions only to me. No questions to Sameer. Sameer has been told not to say a word. So don't ask him any questions. बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जो हमने कॉशिंग की पिटीशन डाली थी, हमने सुबह को 11 बजे 10 बजे मेंशन करी और बताया कि ये एक अर्जेंट मैटर है। 2:30 बजे कोर्ट ने उसको रखा, सर्विस करने को कहा था। सीबीआई को सर्विस हो गई, एनसीबी को सर्विस हो गई, दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से उनके वकील और ऑफिसर्स कोर्ट में मौजूद थे। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान हमने कोर्ट को ये बताया कि ये पूरा का पूरा केस जो है एफआईआर 11/5/2023 के तहत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 388 के तहत जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और इलीगल है, क्योंकि सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो करनी है उस तारीख से करनी है 4 महीने के अंदर जिस तारीख को पब्लिक सर्वेंट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर गलत डिसीजन लिया था। जिस गलत डिसीजन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट को यू लगता है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस लग सकते हैं। केस जो है कॉर्डिलिया का वो अक्टूबर 2021 का है। तो वैसे अगर तुम देखा जाए एफआईआर के अंदर मिस्टर कपिल जो कि एनसीबी के ऑफिसर है, जो कि कंप्लेनेंट है, उन्होंने ये कहा है कि 94/21 केस नंबर 94/21 जो कि 2/10/2021 को रजिस्टर हुआ था, उसी केस के सिलसिले में समीर वानखेड़े ने कुछ गलत डिसीजंस लिए। वो डिसीजंस इनके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस बनता है। 17A के तहत वो डिसीजन अगर अक्टूबर 21 में लिया गया तो सेकेंड प्रोविजो के हिसाब से उनको 4 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को ख़त्म करके एफआईआर रजिस्टर करना था, जो कि इन लोगों ने नहीं किए। स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनी थी एनसीबी के अंदर वो बनी थी 25/10/2021 को। अगर आप 25/10/2021 की भी डेट लोगे तो 4 महीने से बाहर जाता है और इसलिए वो इलीगल एफआईआर करार दिया जा सकता है। तीसरी बात, कैट के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जहां पर इन लोगों ने उस रिपोर्ट का रेफरेंस किया वो दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है। प्राइमा फेशी रिकॉर्ड हमारा सबमिशन किया गया है, लेकिन सरकार को यानी कि एनसीबी को और सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहता था, वो टाइम दिया गया है। एनसीबी ने टाइम मांगी मंडे तक के, सीबीआई मांग रही थी एक हफ्ते भर का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी तो 41A की नोटिस के तहत आदमी अगर अटेंड करता है तो उसको तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीबीआई की दलीलों से हमें शक था कि अटेंड करने के बाद में भी हो सकता है किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर, क्रिएटेड ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि सेक्शन 41A3 और 4 को इन्वोक नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि 22 तारीख तक के इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख को मैटर अभी रखा गया है, एनसीबी 22 तारीख को अपनी एफिडेविट जो है ओपन कोर्ट में फाइल करेगी, हमको कॉपी देगी संडे को। वो एनसीबी की ऑफिस जो एफिडेविट रहेगी उसको स्टडी करके 22 तारीख को आगे जो है वो वैकेशन जज के सामने अब हियरिंग होगी। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाईकोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगननामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहाँ तक क्या आ गया है
कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशन को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इज इट नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाई CBI? कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो कंप्लेंट की ड्राफ्ट थी वो डिस्ट्रॉय हुई। डिपार्टमेंट के बाहर जाके बन के आती है ड्राफ्ट। किसने जाके डिपार्टमेंट के बाहर ड्राफ्ट बनाया? डेप्यूटी लीगल एडवाइजर को क्यों नहीं आप ट्रस्ट करते हो? उसको क्यों ड्राफ्ट बनाने नहीं दिए? जब उसने तुम्हारे को चार्जेस भी बताए तो तुमने उसकी नोटिंग डिस्ट्रॉय क्यों की? मिस्टर संजय सिंह हो, मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह हो, या जो भी सिंह हो, उनको अब इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो अभी बहुत सारे थोड़े सवाल हैं, अब और सवाल पैदा हो गए। क्या कानून का दुरुपयोग कर रही CBI? मुझे CBI से कोई, एक मिनट, मुझे CBI से कोई शिकायत नहीं है। CBI, एक मिनट, CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे कंप्लेंट है NCB से, NCB के सीनियर ऑफिसर से, वो समीर को टारगेट कर रहे। CBI से मुझे शिकायत नहीं, मुझे ग्रीवेंस है। और मेरी ग्रीवेंस ये है कि तुम्हारे को 4 महीने की मोहलत थी, वो 4 महीने की मोहलत के बाहर जाकर 2 साल के अंदर आप 11 मई 2023 को अप्रूवल लेकर आते हो यूनियन ऑफ इंडिया से, और उस अप्रूवल की बुनियाद पे FIR रजिस्टर करके इस आदमी को टारगेट करना चाहते हो। मेरी आप लोगों से ये ग्रीवेंस है। आप लोगों को 17A को फॉलो करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था कि भाई तुम लोग 4 महीने के बीच में दौरान में नहीं आए, अब ये 2 साल हो गए, अब हम FIR रजिस्टर नहीं कर सकते।